दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का सिक्का इन दिनों खूब चमक रहा है। वो एक तो बॉलीवुड में बैक टू बैक फिल्में लेकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो रही हैं। वैसे भी इन दिनों जो क्रेज लोगों में अक्षय की फिल्मों को लेकर दिख रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अब खान से भी आगे निकल गए हैं। इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया था। खिलाड़ी कुमार का स्टारडम इस कदर बढ़ गया है कि फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की वर्ल्ड की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर आ गए हैं। वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे अक्षय कुमार के उन टॉप डायलॉग्स के बारे में, जिन्हें सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अक्की तुसी ग्रेट हो। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। मैंने सिर्फ इंसान बनाया और इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। बॉस का खून बोलता नहीं खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये एक एक को फोड़ता है। सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो लोग कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानासा हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे खिलाड़ी कुमार के शानदार डायलॉग्स, जो जरूर आपको पसंद आए होंगे। बता दें कि आने वाले साल में अक्षय एक से बढ़कर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिनमें आपको देशभक्ति के साथ साथ कॉमेडी और एक्शन भी देखने को मिलेगा। वैसे आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाउसफुल की महारानिया कितनी एक्साइटेड है आज। महारानी कौन क्या लाया खाने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म प्रमोशन के लिए हम ऐसे दिल्ली जाएंगे। अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ, लेकिन अब आप ट्रेन में आ चुके हैं। लग नहीं रहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं सच्ची में ट्रेन में हूँ। अच्छा, एक इंद्रा है, ट्रेन मिल रहा है। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ। एंड रितेश जी, तो सवाल यही था कि हाउसफुल 4 का ट्रेलर आ चुका है एंड गाने, जैसा कि बात हुई कि वाला गाना लोग बहुत ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या कुछ फील करते हैं फिल्म आने से पहले? जब हमने देखा ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड गाना भी लोगों को नहीं, क्या होता है कि एक मोमेंटम बनता है जब एक प्रोमो हम बाहर लोगों के पास लेके जाते हैं, लोग उसे पसंद करते सराहते, और उसके बाद एक और गाना, दूसरा आई थिंक इट वॉज ग्रेट कि अक्षय जी ने एक गाने का स्टेप कर लिया, वो इतना वायरल हो गया है कि हर जगह लोग खुद स्टेप करके पोस्ट कर रहे, सो दैट शोज कि कितनी एक्साइटमेंट लोगों में है। वी आर हैप्पी दैट तो मेरी खुद किस्मत ही है कि अक्षय जी के साथ मेरी 5वीं फिल्म है। आई लव अक्षय जी। कुछ जैसा कि सब यहाँ पर हर किसी कोई नहीं, घर से कुछ ना कुछ लाए हैं खाने के लिए, आप भी कुछ लाए हैं? मैं खुद को लेकर आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है जब से मैं आया हूँ। कोई कुछ खाने को, तो मैंने 2 बिस्किट उठा लिए, मखाना खा लिया मैंने, तो कृति मेरे को कुछ वो गिरा भी दिया है। इन्होंने गिरा है, मुझे बहुत भूख लगी। अगर आपके कुछ डब्बे हो तो आप भी दीजिए। काफी जंग जो है, काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अगर बाला की बात हो, द बाला चैलेंज हो, या फिर शैतान का,
काफी वो सेम गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस रिस्पांस को देखकर जो भी सोशल मीडिया पर मिल रहा है और चारों तरफ लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमने भी बनाया था अभी जस्ट बाहर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, अच्छी बात है, मतलब अभी मैं हाल ही में एक और वीडियो इनको दिखा रहा था कि देयर इज दिस गाय जो 20-22 साल से ही इज ऑन वेंटिलेटर एंड वो भी कर रहा है ऑन वेंटिलेशन, ही इज डूइंग इट दिस होल थिंग एंड सो इट्स बिकम वायरल एंड इट लुक्स यू नो अपने आपके करियर में बहुत कम टाइम होता है कोई ऐसा गाना मिल जाता है जो वायरल हो जाता है, जैसे मुझे याद है तू चीज बड़ी मस्त हुआ था, फिर चुरा के दिल मेरा, तो ऐसे कई कुछ गाने मिल जाते हैं आपको जो कि सही जाके बैठ जाता है जी। जैसे कि ट्रेलर में सर हमने देखा कि पुनर्जन्म की कहानी, तो आप पर्सनली कितना बिलीव करते हैं इस पर? रीइंकार्नेशन मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला जन्म है और मेरे अगले जन्म में मैं अक्षय कुमार बनूंगा। जरूर हर कोई बनना चाहता है अक्षय। अरे मैं तू दूसरा जन्म ले अगले तू कुछ और बन, तू रितेश देशमुख की वाट लग जाएगी। तू चंकी बन। सो अक्षय सर जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या जैसा कि आपने बताया गेम्स खेलने वाले हैं काफी, क्या कुछ होने वाला है कुछ बताएं आप? पता नहीं, कुछ भी खेलेंगे यार, आउजी खेल लेंगे, अंताक्षरी खेल लेंगे, जो मर्जी है खेलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मीडिया और हमारे साथ अंताक्षरी का बैटल हो जाए तो नहीं दम शरारत खेलते मीडिया के साथ, उसमें टाइम लगता है। एक महीने की जर्नी थी। नहीं नहीं ये भी तो देखिए कितनी कैमरे के सामने जितनी एक्टिंग हम करते उतनी ये भी तो करते ना। सवाल अंताक्षरी अंताक्षरी अक्षय सर ने बोल दिया क्योंकि डम शराज करने के बाद हम खुद को एक्सपोज नहीं कर। बॉबी सर अगर बात कीजिए, आप काफी इंटेंस नजर जा रहे हैं, यहाँ पिकनिक सब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप काफी। नहीं है कि आज सुबह में 4 बजे उठना पड़ा। एक हमारे हैं दोस्त अच्छे भैया जो बोल जो हमें बुला कर खुद लेट आए, तो इनकी नींद शायद पूरी ना हुई हो लेकिन इनको आदत है कम सोने की। ये आप बॉबी जी बहुत खुश है, फर्क है कि इनकी अंदरूनी खुशी। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, 14 घंटे बचे हैं। जैसे कि ट्रेन में प्रमोशन हो रहा है, तो बचपन की कुछ रिलेटेड ट्रेन से रिलेटेड कोई मेमोरी आप शेयर कर पाए जो काफी इंटरेस्टिंग है? चंबल चंबल के डाकू की बहुत अच्छी कहानी है। तू सुना अब तू बोला है ना, अभी उसने प्रश्न मुझसे पूछा, तुम लोगों ने बोला, अब तू सुना। मैं आपकी कहानी मैं तुम्हें अक्षय कुमार ₹250 की शॉपिंग फैमिली की थी, पापा ने पैसे दिए थे तो ये ट्रेन में बैठे थे, फिर क्या हुआ रात को 12 बजे डाकू लोग घुसे, डाकू लोग नहीं होते, डाकू लोग चंबल चंबल की वहाँ पे चंबल से गाड़ी वगैरह होती रहती है उस टाइम पे होती थी। ये जो स्कूल में ऐसे होता है ऐसे बोल रहे हैं। तो वो लोग घुसे और उन्होंने सबका बैगेज बाहर थ्रो करना शुरू कर दिया और उस टाइम पे इतनी अकल थी कि चिल्लाए नहीं और नक्शा बैठे रहे और इनके सामने इनका सामान भी बाहर फेंक दिया और मैं उस दिन लूटा गया। ऑब्वियसली डर लगा आपको उस टाइम पे? डर लगा ना एक्शन करके इन सबको ऐसे डाकुओं के साथ उस दिन के बाद खैर उस दिन 8 से 12 डाकू थे तो एक डाकू के सामने का एक्शन करके देखा। अच्छा सर अगर बात की जाए तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, अभी तक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में इतनी एनर्जी के साथ जितना शैतान जिस तरह आपने शैतान का शाला जिसमें एक्ट किया हुआ है आपने बाला का जो पहुंच आज तक किसी ने इतनी एनर्जी के साथ नहीं किया, ऐसा है देखिए इतना बड़ा चेक जो मुझे मिला है वो आपको मिला, आपके भी अंदर से सब निकलेगा, आपका सारा शैतान जो है बाहर आएगा। हर एक स्टेप के लिए एक नया एक्सप्रेशन निकाला है अक्षय सर ने, यू नो ही इज गॉट दैट थिंग विद द गर्ल्स बिहाइंड हिम, इफ यू नोटिस द वे ही इज मूविंग हिज आईज एंड हिज मस्टैश इट्स जस्ट
अक्षय सर, वी हर्ड यू ड्यूरिंग हाउसफुल 4 के ट्रेलर लॉन्च पे भी, आपने एक बहुत ही मजेदार बात कही थी, आपने कही थी फिल्म में मेहनत हर कोई करता है, 70% इट डिपेंड्स ऑन योर लक. सो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, कितने लोग सर से एग्री करते हैं? पहले रितेश जी आप बताएं कि लाइक एवरीवन इज वर्किंग हार्ड, बट फिल्म आल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक. सो हाउ फार? मुझे लगता है कि सभी लोग मेहनत करते हैं और बहुत लक मायने रखता है, क्योंकि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. और लाइक अक्षय सर इज एब्सोल्युटली राइट कि लक मायने रखता है, और कभी कभी कोई फिल्म चल जाती है, कभी कभी नहीं चल जाती, एंड हार्ड वर्क तो सभी करते हैं. आपके आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाउ अबाउट योर लक फैक्टर इन एवरीथिंग? लाइक हाउ अबाउट योर लक फैक्टर इन एवरीथिंग? नो, आई थिंक गॉड हैज बीन टू काइंड एंड टू ग्रेशियस. मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगा था मेरी पहली फिल्म मेरी आखिरी फिल्म होगी, लेकिन 15 साल हो गए, इतनी सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिला. इट्स ऑल गॉट टू डू विद लव एंड डेस्टिनी. पनवती फैक्टर होता है और लक फैक्टर भी होता है, लेकिन जी हाँ, मैं लक में मानता हूँ, बिकॉज हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है. आपका लक नहीं डिपेंड होता है, वो फिल्म का लक डिपेंड होता है कि कब रिलीज होने वाली, उस वक्त देश क्या सोच रहा है. तो आई थिंक आप कोई पुरानी हिट फिल्म पकड़ो और आज रिलीज करो, शायद वो फ्लॉप हो जाए. तो इट्स जस्ट द टाइमिंग दैट कैरीज द लक. सो यस, आई बिलीव इन लक. डेफिनेटली जैसे चंकी ने कहा, हर फिल्म के एक डेस्टिनी होती है और उसके हिसाब से, आई मीन इट्स नॉट लाइक आपको लक पे डिपेंड करना चाहिए हमेशा. मेहनत करोगे तो लक अगर हुई तो उससे ज़्यादा फायदा होगा. सो इट इज़ डेफिनेटली लक. लक वेल, आई वॉज वेरी लकी, बट आई डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ इट. दैट्स माय टेक ऑन माय लक. या आई जेन्युइनली फील कि हर एक फिल्म की एक डेस्टिनी होती है. और आज रिपोर्टर रितेश देशमुख. सो आई फील जेन्युइनली कि हर एक फिल्म का एक खुद का जो एक डेस्टिनी रहता है, एंड यू कैन हॉप ऑन टू दैट यू नो लक फैक्टर, एंड होपफुली यू नो इट टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर यू. बट आई ऑल्सो जेन्युइनली फील कि अगर सेट पे एनर्जी जो है बहुत अच्छा है, एंड यू नो वी हैव फन शूटिंग द फिल्म, वो कहीं ना कहीं फिल्म में ट्रांसलेट हो जाती है और एक एवरेज फिल्म भी हिट हो सकती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी. वाइल यू नो वो ऑडियंस फील्स एनर्जी, सो आई थिंक दैट ऑल्सो एड्स टू द फिल्म.